सुशांत सिंह राजपूत केस, जिसको अब 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और ये केस सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त मंथ में उनको सौंप दिया था कि अब सीबीआई इस केस की जांच करेगी। पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, फिर इस केस में पटना पुलिस आई और अब सीबीआई जो है उनको ये केस सौंप दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े नाम जो कि निकल कर आए थे, जिसमें सबसे पहले तो बात करें तो ड्रग्स एंगल जो कि निकल कर आया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम आया था, उनके ब्रदर का भी नाम आया था, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं उनके भी नाम आ चुके हैं। दीपिका पादुकोण का नाम आया था, सारा अली खान का नाम आया था। आपको बता दें कि हाल ही में अर्जुन रामपाल, जिन पर अभी केस चल रहा है एक तरह से ड्रग्स केस में, वो भी फंस चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अब सीबीआई के पास आखिरकार कौन से वो फैक्ट्स हैं जिनको सीबीआई ने काफ़ी श्योरली एक लेटर के दौरान, एक रिप्लाई के दौरान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि सबकी जो नज़रें हैं वो सीबीआई पर टिक चुकी हैं कि आखिरकार सीबीआई को अगस्त मंथ में ये केस उनको सौंप दिया गया था, जिसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब सीबीआई आखिरकार कब अपनी क्लोजर रिपोर्ट को पब्लिकली करेंगी, सबके सामने लेकर आएंगी? आखिरकार सीबीआई का जो डेवलपमेंट है इस केस में क्या है, कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था, ये सबको जानना है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सीबीआई का एक रिप्लाई आया है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, और आपको ये बता दें कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में डेवलपमेंट के बारे में सीबीआई को लेटर भी लिखा था, और अब उसी लेटर का जवाब आ चुका है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन एक जो सबसे इनिशियल पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सीबीआई ने इस बात को रख दिया है कि सीबीआई इस केस में कोई भी ढील नहीं छोड़ रही है, सीबीआई इस केस में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रही है। छोटी से छोटी चीज़ को, छोटे से छोटे सबूत को सीबीआई काफ़ी ज़्यादा अपनी लेटेस्ट टेक्निक से सर्च कर रही है। ये जो पॉइंट है वो ये है सीबीआई का। सीबीआई ने मेंशन किया है दैट द इन्वेस्टिगेशनिंग टीम अलोंग विद सीनियर ऑफिसर्स विजिटेड ऑल प्लेस ऑफ कंसर्न, अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव एंड पटना। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग टीम एंड सीनियर ऑफिसर्स हैड विजिटेड द प्लेस ऑफ इंसिडेंट ऑन न्यूमरस ओकेशंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कमस्टांसिस रिलेटेड टू द इंसिडेंट। द सीबीआई इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन अ थॉरो एंड प्रोफेशनल मैनर यूजिंग लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑल एस्पेक्ट्स आर बींग लुकड एट एंड नो एक्सपेक्ट हैज बिन रूल्ड आउट एज ऑन डेट। सो ये सीबीआई का जो एक मेन जवाब है, जिसमें सीबीआई ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो उनकी टीम है इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, वो टीम थॉरली बार बार उन जगहों पर जाती है जहां से कुछ ना कुछ उनको सुराग मिलते हैं, जिसमें कई ऐसे नाम लिए हैं, जिसमें अलीगढ़ है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सो ये पटना है। सो ये सब जो जगह है इन पर सीबीआई जाती रहती है, और एक तरह से जो सबूत हैं, जो भी उनको सुराग मिलता है, सडनली सीबीआई उस पर रिएक्ट करती है। और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में इस केस को एक लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू सीबीआई सर्च कर रही है। और ये भी बताया जा रहा था कि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इसमें मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो इन सब की प्रॉपर जाँच हो रही है। इन सब की जाँच होती है, इनके जो लैब में जांच होती है, उसके बाद जो भी डेटा एनालिसिस होता है उसके थ्रू भी सीबीआई जो भी सबूत निकालती है उन सब पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। तो सीबीआई का एक जो पॉइंट है, जिसमें सीबीआई ने इस बात को बता दिया है कि हमारी टीम जो है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स की जो टीम है, वो प्रॉपरली इन सबको, सबूतों को, सुराग को प्रॉपरली वो जांच कर रही है, और सुशांत सिंह राजपूत केस में वो जल्द ही कुछ ना कुछ अपनी क्लोजर रिपोर्ट को निकाल देगी, ऐसा इन पॉइंट्स को देख के लगता है। सो आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।